हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय स्वागत करती हूँ आप सभी का माय किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ छोला। ये व्हाइट वाला चना है, काबली चना है। इसको रात भर पानी में भिंगाने के बाद इसे कुकर में डालूँगी। इसमें मैं डालूँगी नमक और पानी। अब इसे बंद करके और 4 से 5 सीटी लगाएंगे। कुकर में 5 सीटी लग चुका है। अब मैं ऑफ कर दे रही हूँ गैस को। ये देखिए फिर कितना बढ़िया पक चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया पका हुआ है इस तरह से। अब इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। कुकर गर्म हो चुका है, उसमें मैं डालूंगी तेल। फ्रेंड्स, मैं कुकर में ही बना रही हूँ क्योंकि कुकर में बनाऊंगी तो ये 1 सीटी और लगाऊंगी जिससे बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें डालेंगे जीरा, लाल मिर्च और खड़ा गरम मसाला। खड़ा गरम मसाला में मैं यहाँ पर ली हूँ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री। आपके पास जो भी खड़े मसाले हैं उसे डाल सकते हैं। और यहाँ पे तेज़पत्ता। मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज हल्का गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैं बनाई थी उसे भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। धनिया पाउडर 2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अगर हम ज़्यादा तीखा खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले नहीं। इसमें 1 चम्मच डालूंगी छोला मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये सिर्फ टेस्ट के लिए है और इसका जो कलर है वो अब उभर करके आएगा। और इसमें मैं डालूँगी अब टमाटर, 2 मीडियम साइज का टमाटर है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से भूने, जले नहीं। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि मसाले से अच्छी खुशबू नहीं आने लगे। मसाले को कम से कम 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 केजी चना बॉयल की हूँ। ये सभी रेशियो 1/2 केजी चना का है। मसाला को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लाल हो चुका है और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चना जो बॉयल है। अभी इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, कितना गाढ़ा कितना पतला करना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल दीजिए, कम ग्रेवी चाहिए तो कम पानी डालिए। या इसको अब 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी के बाद गैस को ऑफ करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 सीटी लगने के बाद कितना बढ़िया छोला बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया छोला बना हुआ है। अगर आपको मेरा छोला बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय।